Hi, this is Flora and you're watching me on Crunch, and today I'm going to talk about my weight loss journey. Come along. Some people love, some people hate. I'm a very lazy person, but I know कि हर actor की life में सुंदर दिखना, अच्छा दिखना, अच्छी body रखना बहुत important है. But I think हर किसी की life में अच्छी health रखना आजकल के times में बहुत ज़रूरी है, because बहुत आपने news में आजकल पढ़ा होगा, the very young people are suffering with a lot of problems. Also because lockdown में बहुत ही sedentary lifestyle, बहुत सारे लोग घर से बाहर नहीं निकले हैं. सो ऑल ऑफ दैट नीड्स टू चेंज. बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होना चाहिए, और बाहर सड़कें इतनी ख़राब है कि अगर आप बेसिक अपनी बॉडी को सिर्फ वॉक और साइकिलिंग, जो पुराने ज़माने में पेरेंट्स और या बच्चे हम करते थे, उसके लिए भी जिम बहुत इंपॉर्टेंट है. सो यू हैव योर साइकिल, यू हैव योर ट्रेडमिल, टू थिंग्स एंड द क्लाइंबर, तीन चीज़ें जो मुझे लगता है कि हम सड़क पे भी कर सकते हैं, बट सड़कें इतनी अच्छी नहीं हैं, तो इट्स बेटर टू डू इट हियर. जहाँ अच्छा गाना है, एसी ऑन है, वॉट कुड बी बेटर. एंड आई थिंक अपनी लाइफ, अपने आप को ये एक घंटा अपनी बॉडी को, जिसमें आप पूरी ज़िंदगी रहने वाले हैं, इतना देना तो बनता है ना. सो मेरी वेट लॉस जर्नी कुछ ऐसे कि मैं हमेशा से एक हेल्दियर साइड पे थी, थोड़ा वेट हमेशा ज़्यादा था. ऑल्सो बिकॉज कभी इस लाइन का सोचा नहीं था. एंड आई थिंक उस टाइम ना जिम्स, जब मैं छोटी थी तो जिम का इतना क्रेज़ नहीं था. लोग बोलते थे हाँ चल लो, साइकिल कर लो, ये बेसिक चीज़ें होती थी. जब मैंने एक्टिंग ज्वाइन किया, या इवन जब मेरी ब्यूटी कॉन्टेस्ट का जो जर्नी था विच टुक मी टू एक्टिंग, वो शुरू हुआ, तो फर्स्ट एम्फेसिस वॉज अगर आप सुंदर हैं तो आप पतले होने चाहिए. ये बहुत आई थिंक एक प्रेशर था. ऑल्सो बिकॉज आई रिमेंबर सुष्मिता सेन एंड ऐश्वर्या राय हैड वन द ब्यूटी पैजेंट्स, मिस वर्ल्ड एंड मिस यूनिवर्स उस टाइम. तो ये बहुत एक ट्रेंड था कि इफ़ यू आर अ मॉडल, इफ़ यू आर ब्यूटिफुल, यू हैव टू बी स्लिम. और लाइक एनी अदर इम्प्रेशनेबल टीनेजर जो मैगजीन्स पढ़ती है, फेमिना एंड फिल्म फेयर एंड ऑल दीज मैगजीन्स, यू लुक अप एंड यू से माई गॉड आई वॉन्ट हैव अ फिगर लाइक दैट. तो शुरू हुई मेरी होल जिम जाने का प्रोसेस. पर क्या है ना, सबकी बॉडी जो है बहुत डिफरेंट है एक दूसरे से, एंड बहुत सारे लोग बहुत कुछ करते हैं पतला रहने के लिए, स्पेशली एक्टर्स की अगर मैं बात करूं, बिकॉज हमारी जो लाइवलीहुड है वो सिर्फ इस बात पे डिपेंडेंट है कि हम दिखते कैसे हैं. और हम जितने एक्सपेरिमेंट्स करते हैं अपने साथ, एंड ऑल्सो बींग एन एक्टर, जिस टाइप के ट्रेनर्स और प्रोडक्ट्स जो हमें एक्सेसिबल हैं, वो बहुत मैटर करता है कि आपकी बॉडी कैसे शेप आउट होती है. बट अगेन साउथ की जो मेरी जर्नी थी, भगवान ने बचा लिया, बिकॉज उस टाइम साउथ में साउथ इंडस्ट्री को थोड़ी वैसी लड़कियां पसंद थी जिनमें थोड़ा सा वेट हो. एंड मेरा इनिशियल जो करियर फेस था वो बहुत अच्छा गया, बट क्योंकि मैं नॉर्थ ऑफ इंडिया से थी और मेरे जो आइडल्स थे वो पतले थे, तो वहाँ पे भी साउथ में जाने के बाद भी, क्योंकि आप एक्टर हो तो जाहिर सी चीज़ है कि आप पतले होने चाहिए, ये दिमाग में फिट था. मुझे अभी तक याद है मैं इतनी रेगुलर थी अपनी वर्कआउट के साथ, नो डाउट मेरा वेट कम हुआ. पर पता है हमारी बॉडी जो है ना, भगवान ने बहुत परफेक्ट उसमें जितनी भी अलाइनमेंट की, इट्स लाइक अ मशीन एंड सारी चीज़ें बहुत परफेक्टली अलाइंड है. पर ड्यू टू स्ट्रेस, ड्यू टू पुअर ईटिंग हैबिट्स, देयर सो मच अब्यूज़ जो हम ना जानते हुए भी अपनी बॉडी पे करते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी आजकल जो यंग जनरेशन है, PCOS एक बहुत ही कॉमन चीज़ है, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, जो बहुत सारी लड़कियों को होती है, बिकॉज ऑफ विच यू डोंट लूज़ वेट. तो पहली बात तो मैं बहुत सारे जो बहुत लोग हैं जो अपने आप को बड़ा फिट समझते हैं, बाकी लोगों को मोटी मोटा ऐसे बोलने में कभी सेकंड थॉट्स नहीं लाते, प्लीज़ थिंक कि यू डोंट हैव द राइट टू कॉल एनीबॉडी यू नो सच नेम्स. दूसरी चीज़, हर इंसान जो मोटा होता है वो इसलिए नहीं क्योंकि वो ज़्यादा खाता है, कई बार देर इज़ अ मेडिकल इशू दैट द पर्सन इज़ फेसिंग, सो प्लीज़ बी लिटिल मोर काइंड एंड कंसिडरेट. तो जब मैं जिम जाती थी, मेरे ट्रेनर्स मुझे बोलते थे अरे तू लड़की है, तेरे तो मसल वसल नहीं बनेंगे, तू मार. एंड 10 सेट हो गए, 15 सेट हैवी वेट, एंड मैंने अपनी बॉडी को नोटिस किया कि मैं बल्क हो रही हूँ. तो मेरी मम्मा मुझे बोलते थे तुम्हारे आर्म्स डेवलप हो रहे हैं.
एंड मैं ट्रेनर को बोलती नहीं नहीं मैं ना 2 से ज़्यादा बाइसेप नहीं करूँगी बिकॉज मैं डेवलप हो रही हूँ. तू लड़की है, तेरे में ये मसल ही नहीं है, तू मार. बट PCOS में क्या होता है कि आपके जो मेल पॉलीसिस्टिक ओवरी है, सो जो आपकी यू नो ओवरीज हैं, जो हॉर्मोन्स ओवरीज प्रोड्यूस करते हैं विच इज़ एस्ट्रोजन, लेडीज़ के हॉर्मोन्स जो हैं वो कम प्रोड्यूस होते हैं, थोड़े से स्लो हो जाते हैं, थोड़े से ऐसे थक जाते हैं. सो एंड जो मेल हॉर्मोन्स होते हैं वो ज़्यादा एक्टिव होते हैं. इसलिए जिन लोगों को PCOS होता है उनको थोड़े से फेशियल हेयर जैसे आदमी को होते हैं वो, बॉडी वैसे बल्क होना, वेट कम नहीं होना, स्लगिश लगना, ये कॉमन प्रॉब्लम्स हैं जो बहुत बार अननोटिस नहीं जाती हैं. आजकल अवेयरनेस ज़्यादा है एंड मैंने इतना स्ट्रगल किया है PCOS को लेके, गलत डॉक्टर्स मिले हैं, डाइट सब लोग एक बोलते थे घी निकाल दो, फैट निकाल दो. अरे तुम डाइट पे हो, सबसे पहले घी निकालो, फैट निकालो, जंक ऑफ कोर्स अलाउड नहीं है, जिम जाओ, जिम जाओ. एंड आई हैव डन इट ऑल एंड मेरी बॉडी पे इतना सा इफेक्ट शायद होता था और फिर भी नहीं होता था. ऑल्सो मुझे याद है कि अगर कोई ऐसा रोल है जहाँ पे गाना है, मान लो गाने की शूट हो रही है, तो गाने में अच्छा दिखता है ना. एक हफ्ता 10 दिन खाना नहीं खाएंगे, सिर्फ ऑरेंज जूस मैंने पिया है, सिर्फ कॉफ़ी ले लेके दिन निकाले. और जैसे ही वो शूट ख़त्म होता था, पैकअप हुआ, सीधा जाके पूरा का पूरा बुफे खाया है, क्योंकि 7 दिन 10 दिन कुछ खाया नहीं है. और इट इज़ सो बैड फॉर योर सिस्टम, इट इज़ सो बैड. और यही जो स्ट्रगल्स चलते चलते चलते, आई डोंट इवन नो हाउ कि मुझे कीटो डाइट के बारे में पता चला. और मैंने कहा चलो ये डाइट भी, सारे डाइटिशियंस के पास तो मैं ऑलरेडी मेरा नंबर लगा हुआ है, ये एक और डाइट ट्राई करते हैं. एंड द वे दे एक्सप्लेन्ड कि यू नो जो हमारा हार्मोन है जो आपके पीरियड्स को रेगुलेट करता है, जिसकी वजह से आपका वेट लॉस, लेडीज़ का स्पेशली बहुत ज़रूरी है कि इफ़ योर पीरियड्स आर ऑन टाइम एवरीथिंग अबाउट योर बॉडी विल बी परफेक्ट. तो उन्होंने बोला कि ये डाइट है, इसमें अंडे खाने हैं 4, फिर घी खाना है, बटर खाना है, चीज़ खाना है, वो तो आप कभी भी खा सकते हो, और पीनट बटर. आई मीन बोला आर यू श्योर इससे वेट कम होगा, बिकॉज आज तक किसी ने नहीं बोला, बोला ट्राई तो करो. एंड आई स्टार्टेड विद एन एक्सट्रीम कीटो डाइट, आई लॉस्ट वेट, आई ऑल्सो स्टार्टेड लूजिंग हेयर. तो एक और चीज़ जो मैंने अपने कीटो PCOS डाइट जर्नी पे रियलाइज़ किया वो ये है कि किसी को भी ना पूरी नॉलेज नहीं है. हर किसी की बॉडी इतनी यूनिक है, इतनी डिफरेंट है कि व्हाट वर्क्स फॉर वन पर्सन विल नॉट वर्क फॉर द अदर पर्सन. एंड आप अगर कमिटेड हैं, थोड़ा सा फोकस है ना, यू विल फाइंड. ऑल्सो मुझे एक चीज़ लगती है कि ऑल दिस वाइल आई हेटेड माई बॉडी, आई वॉज नेवर हैप्पी. अरे मैं यहाँ से मोटी हूँ, वहाँ से मोटी हूँ, ये ठीक नहीं, वो ठीक नहीं. With keto diet, once I saw the, you know, कि मैं खा रही हूँ, इतना खा रही हूँ, वेट कम हो रहा है, बाल गिर रहे हैं, उसका क्या करें, बट आई लव हाउ आई लुक एंड आई थिंक माई बॉडी स्टार्टेड लविंग मी बैक. कीटो का ये जो एक्सपेरिमेंट था, बिकॉज आई न्यू द डाइट जो मुझे दी गई थी उसमें कुछ गलत नहीं था, इट इज़ हाई प्रोटीन. तो जिम में जो आप लड़कों को देखते हैं जिनकी बॉडी इतनी टाइट होती है, इट्स बिकॉज दे ईट अ लॉट प्रोटीन एंड प्रोटीन इज़ अ बिल्डिंग ब्लॉक. प्रोटीन इतना ज़रूरी है, हम हमारी जो इंडियन डाइट है ना, रोटी, राइस, कार्ब्स एक एसेंशियल वो है, स्कूल में भी हमें सिखाते हैं, बट आई थिंक साइंस हैज़ प्रोग्रेस्ड ओवर टाइम एंड द पीपल हैव रियलाइज्ड कि कार्ब्स आपको इतने ही चाहिए. कीटो इज़ अगेन, माइंड यू, नॉट ज़ीरो कार्ब्स, इट्स नॉट एटकिंस, इट इज़, इट हैज़ लिमिटेड कार्ब्स जो आपको, अगर आप सब्ज़ी खाते हो, दाल खाते हो, अगर आप वेजिटेरियन हो, आपको इसमें भी मिल जाएगा. बट राइस, ग्लूटेन, बहुत सारे लोग ग्लूटेन इंटॉलरेंट होते हैं, उनको पता ही नहीं होता है. तो मैंने अपना जो रिसर्च करने लगी है, आई डिड नॉट गिव अप ऑन द कीटो डाइट इवन व्हेन आई वाज लूजिंग हेयर, बिकॉज आई थॉट इट इज़ सच अ परफेक्ट डाइट. ड्राई फ्रूट्स खा रही हूँ मैं, मतलब ऐसे तो कुछ खा नहीं रही और वेट कम हो रहा है, तो मैं ये छोड़ नहीं सकती. एंड सो देर इज़ दिस डॉक्टर एरिक बर्ग ऑन यूट्यूब, इंस्टाग्राम, आई स्टार्टेड फॉलोइंग हिम, आई स्टार्ट वॉचिंग हिज वीडियोज. तो उनका एक वीडियो था जहाँ पे उन्होंने बोला है कि कीटो में इट्स अगेन नॉट जीरो कार्ब्स, इट हैज़ मॉडरेट कार्ब्स एंड यू हैव टू हैव 8 to 10 कप्स ऑफ सैलड. इतनी सिंपल चीज़ है जो हर किसी को खानी चाहिए फॉर रफेज. एंड इफ़ यू हैव 8 to 10 कप्स ऑफ सैलड, लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स विल सॉल्व. एंड ट्रस्ट मी, मैंने 3 दिन वो जो सैलड अपना कीटो डाइट में इंक्लूड किया, माई हेयर फॉल स्टॉप्ड,
बट अगेन कीटो प्लीज़ आप खुद से ना करें, बिकॉज कीटो जब आप करते हैं, क्योंकि इट्स हाई प्रोटीन, पानी पीना बहुत ज़रूरी है. एटलीस्ट 3 liters ऑफ वाटर हैज़ टू गो डाउन, क्योंकि अगर आप पानी कम पीते हैं और आप कीटो डाइट कर रहे हैं, यू विल मेस अप योर किडनीज एंड देन देर इज़ नो कमिंग बैक. बट कीटो में जस्ट बिकॉज ये जो ग्लैंड है, जो लेडीज़ का ग्लैंड है जो पीरियड्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वेट लॉस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो आमतौर पर जब आप डाइट पर जाते हो हमें बोलते हैं घी निकाल दो, और फिर ये जो हार्मोन है जो फैट डिपेंडेंट है वो बोलता है यार अब मुझे फैट ही नहीं मिल रहा, मैं चलूँ कैसे, और मैंने अपने जितने भी रिजर्व्स थे ये हार्मोन चलाने के लिए वो भी चला दिए. तो मैंने कहा स्टार्टेड ईटिंग फैट, घी, बटर. ये हार्मोन की ऑयलिंग इतनी अच्छी हुई कि एवरीथिंग, आई कांट इवन टेल यू, इट वाज मैजिक. एंड मेरे दिन की जो शुरुआत होती है एक बहुत यूनिक, लॉट ऑफ पीपल हैव नॉट हर्ड अबाउट इट, इट्स कॉल्ड अ बुलेट कॉफ़ी. इट्स ब्लैक कॉफ़ी जिसमें घी होता है, कोकोनट ऑयल होता है, उसको चम्मच से नहीं घुमाना है, उसको ब्लेंड करते हैं, वो चॉकलेट कलर का हो जाता है, एंड इट इज़ द बेस्ट थिंग यू कैन हैव. अनदर थिंग दैट आई लर्न ऑन कीटो वॉज कि मैंने ना अपने दोस्तों को डाइट करते हुए देखा है, जहाँ बहुत सारे लोग हैं जो आपको कीटो फूड प्रोवाइड करते हैं, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, पर उनके क्वांटिटीज़ इतने कम होते हैं. एंड आई थिंक दैट इज़ द बिगेस्ट मिथ, अगर मैं लोगों को पकड़ पकड़ के बता सकूँ कि कीटो में देर इज़ नो कॉन्सेप्ट. एक्चुअली हर किसी की लाइफ में ये तो हमने बनाया कि ब्रेकफास्ट खाना है, लंच खाना है, डिनर खाना है, क्योंकि टाइम हो गया है. पर कीटो में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, यू ईट ओनली व्हेन यू आर हंग्री. तो अगर आपको सुबह भूख लगी है, लाइक आई हैव माय बुलेट कॉफ़ी, आई एम नॉट हंग्री टिल 5-6 इन द इवनिंग, उस टाइम मैं अपना एक हैवी सा डिनर करती हूँ, एंड यू हैव टू ईट टिल यू आर फुल. ऐसा नहीं कि अरे इतना सा रह गया. एंड एक और मज़े की बात बताती हूँ, कीटो में मतलब बाकी जो डाइट्स होती है ना, मीठा हटा दो, मीठा नहीं खाना है. मैंने कीटो में इतनी मिठाइयाँ खाई हैं, अपनी खुद की यूट्यूब से देख देख के बनाई हैं, कीटो आइसक्रीम, मतलब माय समर ऑन कीटो वाज द बेस्ट, बिकॉज आई एम सच एन आइसक्रीम लवर, और मैं खुद से, और इतना इजी है, सिर्फ फुल क्रीम डालना है, कोकोनट आलमंड मिल्क डालना है, अपना चॉकलेट पाउडर डालना है, स्टीविया डालना है, घुमा के अंदर फ्रीजर में रख देना और खा लेना. आई हैव हैड अ ब्लास्ट, क्योंकि आई एम अ पंजाबी एंड आई एम ऑल, जितने भी दांत है ना सब स्वीट टूथ है. तो फर्स्ट डाइट जहाँ पे मैं मीठा खा सकती थी, फैट खा रही थी, वेट कम हो रहा था, दिन में जो 22 आवर्स या 23 आवर्स जो आप जिम में नहीं हो, आप अपनी बॉडी में क्या डालते हो, दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एंड इट्स हियर. आप कितने खुश हो, बिकॉज अगर आपने नोटिस किया हो, बहुत सारे डिप्रेस लोग कार्ब्स खाते हैं, इट्स अ यू नो इट ट्रिक्स योर ब्रेन टू फील हैप्पी, बट I think it's a job that you need to do, and meeting your friends, having a few laughs, and क्योंकि कीटो में desserts allowed है, and मीठा खाना, ये तीन चीज़ें ना आपको कभी depressed नहीं होने देंगे. And अच्छा music जो आपको जिम में वैसे ही मिलेगा. कभी आपको देखा, आपने देखा आहू 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 पे कोई smile ना करे, तो I think good music, good friends, good food, three things that will never डिप्रेस यू. एंड डिप्रेस लोग वैसे भी उनको खाना नहीं लगता, वो पतले ही रहते हैं. सो दैट्स बीन माई वेट लॉस जर्नी, आई एम स्टिल ऑन इट. और मैं कीटो, क्योंकि आई हैव रीच्ड माई बॉडी वेट टारगेट एंड आई एम इन माई बॉडीज बेस्ट शेप एट दिस एज. जब स्ट्रगल कर रही थी, जब यू नो यंग थी, तब कुछ नहीं हुआ. अब इस एज पे आके, इस स्टेज पे आके, आई थिंक आई एम इन माई बॉडीज लाइफ्स बेस्ट शेप. सो आई बिलीव दैट मोर गर्ल्स शुड यू नो ए स्टार्ट लविंग योर बॉडी. डू नॉट लिसन टू योर फ्रेंड्स हु टेल यू एनीथिंग नेगेटिव अबाउट योर बॉडी. सबकी बॉडी बहुत अलग है, बहुत अमेजिंग है. एंड लव योर सेल्फ, योर बॉडी विल लव इट बैक. एंड प्लीज़ गिव इट फैट, प्लीज़ गिव इट गुड फैट्स. यू नो देयर आर लॉट ऑफ गुड फैट्स एंड घी इज़ लाइक the best thing. Coconut oil has been, I think, superfood hai wo. And more people are discovering. People do pulling in the morning, you know, coconut oil se body mein tab up lagate hain. It's one miracle that God has given us, coconut oil, jo aap har jagah use kar sakte hain. So I just want to tell girls ki please do not take any of the stresses that normally kids nowadays go through. And love your body, eat good food, have good friends, and don't worry so much about looking good. It's how you feel inside that really makes all the difference. Weight aaj
है, कल नहीं होगा, वो एक जर्नी है ऊपर नीचे की. पर यस, फॉलो, ट्राई एंड फॉलो द कीटो डाइट इफ़ यू नॉट लूजिंग वेट. मेक श्योर दैट यू हैव इनफ वाटर, बहुत ज़रूरी है. ये मैं बोल रही हूँ, मैं खुद पानी पीना भूल जाती हूँ बहुत बहुत दिन. एंड वन मोर थिंग विच आई थिंक, एक छोटी सी चीज़ है जो लोगों को ध्यान, नींबू पानी. यू डोंट नो द बेनिफिट्स ऑफ इट, इट्स सच अ स्मॉल थिंग. आप दिन में भी अगर कभी लेते हैं थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा स्टीविया डाल के, इट्स एन इलेक्ट्रोलाइट विच लॉट ऑफ पीपल नीड टू हैव. सो या, जस्ट लव योर सेल्फ, नथिंग बेटर देन दैट, नो मैटर विच शेप यू आर इन. एंड फोकस मोर ऑन लिविंग लॉन्गर, लिविंग हेल्दियर देन चेजिंग a certain shape. And I hope you enjoyed my weight loss journey, and I hope you learned something from it. Baki, take care, love your health, and your health will love you back.